Hello everyone, let's start with question number 8. So in this, it says a gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. So एक gardener है उसको plant करने 1000 plants. अब जो 1000 होता है वो हमारा एक perfect square नहीं है. तो इसका मतलब उसको कुछ number, minimum number of plants उसको ज्यादा चाहिए. He needs more for this. ताकि वो number of rows और number of columns को same कर सके. He wants that. अब minimum number of plants उसको ज्यादा कितने चाहिए वो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि कुछ part add होना चाहिए. Must be added. अब added वाली condition में what we have to do is we need to take long division. We need to use long division method. अब आपने क्या करना है, आपने 1000 plants का long division method से solve करके देख. अब 10 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 3 into 3, it is 9, 10 में से 9 गए 1, double 0 से उतारो, then 3 plus 3 is 6, अब यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए, वो सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, तो वो क्या होगा, 62 into 2 तो हो नहीं सकता, it is 124, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं दोनों अलग अलग, so 100 minus 61 is 39. तो लेफ्ट ओवर पार्ट कितना बचा आपका, 39, रिमाइंडर आ रहा 39. इसी से प्रूव हो गया कि ये हमारा जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हमें क्या करना है, अब एडेड बोला था, एडेड में क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर आंसर आता है उसमें 1 ऐड करते हैं, 31 प्लस 1 होल स्क्वायर. सो 32 का स्क्वायर निकाल के देखो, यू विल गेट 1024. अब यहाँ पे हमारे पास नंबर था 1000 और यहाँ पे 1024. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, यू विल गेट 24. इसका मतलब 24 मस्ट बी एडेड टू मेक रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम. 24 हमें और प्लांट्स चाहिए होंगे ताकि वो गार्डनर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सेम कर सके. So that's your answer for question number 8. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.